नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारत पाकिस्तान में एक मस्जिद को गिराने की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए अब इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी दे दी गई है बता दें कि जमीयत ए इस्लाम फजल सिंध के महासचिव मौलाना राशिद महमूद सुमरों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद और सिंधु के मुख्यमंत्री सैयद मुरार अली शाह को कराची में अवैध रूप से निर्मित मस्जिदों को ध्वस्त करने के आदेश को लागू करने की चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मौलाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि क्या इसको मदीने की रियासत कहा जाता है कि मंदिर तो महफूज है और मस्जिद को गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट देती है अब तक हम जिंदा है किसी में जरूरत नहीं कि मस्जिद की एक ईट भी गिराए वीडियो एक कार्यक्रम का है जिसमें राशिद महमूद सुमरो गरजते हुए कोर्ट को धमकी दे रहे हैं अगर मस्जिद सलामत नहीं रही तो तुम्हारे भी सलामत नहीं रहेंगे और तुम्हारे दफ्तर भी सलामत नहीं रहेंगे अगर तुम्हारे अंदर जरूरत है तो मस्जिद को गिरा कर दिखाओ मस्जिद लावारिस नहीं है तारिक रोड हो मदीना मस्जिद हो इनशा जमीयत इसकी चौकीदारी करेगी हम जालिम से बगावत करेंगे मस्जिद तक पहुंचने के लिए जमीयत के लोगों के सिरों से गुजरना होगा अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार